है, गुड मॉर्निंग गाइस। लॉकडाउन कैसा चल रहा है सबका? आई होप कि सबका अच्छा चल रहा होगा। लॉकडाउन में बाहर की दुनिया क्या हो रहा है पता है? चलो मैं आपको आज बाहर की दुनिया दिखा रही हूँ। हे गाइस, ये आप देख सकते हो, ये आज का न्यूज़पेपर है। उड़िया में लिखा है प्रमेय, द डेट लिखा है 14 मई। और यहाँ पे ये वाला मैं पढ़ के आपको सुनाते हैं। ये है गंगाधर बिस्वाल, ये हरियाणा में एक जगह में काम कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गया और कंपनी इनका एक पैसा भी नहीं दिया खाने पीने का, और कल उन्होंने सुसाइड कर दिया। लॉकडाउन में ये सब हो रहा है। और ये जो है, मैं ये आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हैदराबाद से कुछ लड़के चल के आ रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, इंसान चल के हैदराबाद से उड़ीसा आएगा? आप सिचुएशन इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। रास्ते में एक लड़के की मौत हो गई, वो भी घर में एक ही बंदा था जो कमाता था। मतलब लॉकडाउन करने से पहले सरकार ने ये नहीं सोचा कि कितने लोग परेशानी उठानी पड़ी गई। जब उन्होंने 24 आवर्स के लिए शटडाउन किया, फिर उसके दूसरे दिन 21 दिन के लिए कंटिन्यू लॉकडाउन कर दिया, कि या ये सही था? आपको लगता है एक वार्निंग तो देना चाहिए। बहुत लोग बाहर में हैं, हॉस्टल में, बहुत लोग कंपनी में हैं, वो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? कम से कम लॉकडाउन करने से पहले कुछ बताना तो चाहिए। ये बहुत ही अनफेयर काम हो रहा है, बहुत ही। मुझे तो भुवनेश्वर में एक कुत्ते को एक लेडीज़ ने पीट पीट के मार दिया, उसके लिए सब आ गया है। जस्टिस फॉर अप्रैल, जस्टिस फॉर अप्रैल, ये चीज़ को आप क्या बोलोगे? ये भी तो वन टाइप ऑफ मर्डर ही तो है। किसी को इतना मजबूर कर दो, मेंटली इतना प्रेशर कर दो कि वह सुसाइड के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। और रहा फैक्ट्रीज की बात, इंडस्ट्रीज की बात, जो लोग इतने लोग मतलब काम करने बाहर जाते हैं, उनकी 1% का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको खाने पीने का कुछ व्यवस्था किया जाए? एक कंपनी, मान लो एक कंपनी एक महीने में कितना कमाता होगा? 2 करोड़ 3 करोड़, चलो मानो 3 करोड़ ले लेता है। अगर वहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, 3 करोड़, 200 लोग में एक दिन में अगर उनके ऊपर हम 100 रुपये खर्चा करते हैं तो कितना होता है? 20,000 रुपये। अगर हम 2 महीने, लॉकडाउन 2 महीने हो गया, अगर हम 2 महीने हम पे 20 लोगों के पीछे हम खर्चा करें तो कितना हो रहा है? 100 × 200 × 60 कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख, 3 करोड़ के 12 लाख कितना परसेंट होता है? मतलब 4%। क्या इतने करोड़ों करोड़ों जो कमाता है, जो कंपनी कमाता है, इंडस्ट्रीज कमाते हैं, क्या वो उसके 4% भी एक मतलब अपने मजदूरों के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते? ऐसा देश है हमारा, गंगाधर की तरह, कसा की तरह, कितने लोग ऐसे मतलब मरे होंगे पता नहीं। रोज़ ये काउंट होता है कोरोना में कितने पीड़ित हुए, कितने की डेथ हुई, ये काउंट क्यों नहीं हो रहा है कि कोरोना में बिना, इस लॉकडाउन में बिना खाए पिए कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोगों की जाने गई रास्ते में आने टाइम, कोई साइकिल जाता है, कितने लोगों की मौत हो रही है, ये काउंट हो रहा है क्या? कभी ये काउंट करके देखो। और इन कंपनीज, इन इंडस्ट्रीज की तो बात ही मत बोलो, साले इतने कमीने हैं कि मतलब किस, अगर किसी गरीब को खाना देने से कोई गरीब हो जाता है भला? तुम लोग इतने महीने महीने में करोड़ करोड़ रुपए कमाते हो, अगर इसी सिचुएशन में हेल्प नहीं करोगे गरीब लोगों का तो क्या यार तुम घंटा अमीर हो? बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मतलब एक महीना में 100-100 करोड़ रुपए कमाते हैं, अगर उनका 1% भी इसी टाइम गरीब को दे देना तो ऐसा चीज़ नहीं होता। वो दूर से चल के, वो दूर से साइकिल से, वो दूर से ऐसे, या फिर सुसाइड नहीं करते। उनमें इतना लॉस हो गया, क्या लॉस हो गया? जब नोटबंदी हुआ था तभी बाल्टी बाल्टी भर के पैसा, जो ब्लैक मनी है वो नदी में फेंक रहे थे, कोई उड़ा रहा है, कोई बाहर फेंक रहा है, पर गरीब को कोई 1 रुपया नहीं देगा, ये सच बात। रेज योर वॉइस दिस टाइप ऑफ हैरेसमेंट। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं उसका चेहरा,
रोमत भाई रोमत खाना का कि मुझे ही रास खाना खाना रही।